हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जैन है और बहुत सारे नॉन जैन भी हैं। उनको एक क्वेश्चन था कि मैं बहुत बार रेसिपी के दौरान बोलती हूँ कि दही और छाछ गरम करके लिया है, नहीं तो द्विदड़ का दोष लगेगा। तो ये द्विदड़ का दोष क्या है और आप दही कैसे गर्म करते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि द्विदड़ का दोष क्या है। कठोर, जिसको आप बेंस या पल्सेस भी कहते हैं, दही और छाछ के संयोग में आते हैं, तभी तुरंत असंख्य बेइंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं और वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसके लिए हमें दही और छाछ जब भी कठोर के साथ मिलाना हो तो उसे गर्म कर लेना चाहिए, जिससे हम द्विदड़ के दोष से बच सकते हैं। बहुत बार हम खाना खाते हैं तो लास्ट में दाल और राइस खाया जाता है और उसके ऊपर तुरंत ही हम छाछ पी लेते हैं, तो तभी भी हमें द्विदड़ का दोष लगता है। खाना खाने के बाद हमें हमारा मुंह अच्छे से पानी पी के क्लीन करना है और फिर छाछ लेना है, तो हम द्विदड़ के दोष से बच जाएंगे। मेथी की भाजी के थेपला बनाते वक्त अंदर दही डाला जाता है, तभी भी हमें द्विदड़ का दोष लगता है। मेथी की भाजी जो उगती है वो सूखी मेथी से उगती है और सूखी मेथी कठोर है, तो हमें ये द्विदड़ का दोष से बचने के लिए दही डालना है तो गर्म करके डालना है। चलिए अभी दही कैसे गर्म करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध की दही बनाई है। अभी इसमें कट लगा लेंगे, इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे, नीचे तक बनाएंगे, कवर कर लेंगे। एक कुकर लिए, डेढ़ गिलास जितना पानी डाला है और स्टैंड रखा है, दही रख देंगे अंदर, कवर कर लेंगे। और अभी इसमें फास्ट फ्लेम पे तीन विसल कर लेंगे हम। तीन विसल करने के बाद मैंने कुकर को एकदम अच्छे से ठंडा कर लिया था और फिर अभी मैंने दही को निकाल लिया है। देख सकते हैं अभी ऊपर थोड़ा सा पानी दिख रहा है। एक बाउल लिया है, पानी डाला है, दही को अंदर रख देंगे और अभी इसको एक घंटे का रेस्ट देंगे। तो अभी हम मिलते हैं एक घंटे बाद। एक घंटे के बाद हम दही को पानी के बाउल में से बाहर निकाल लेंगे। दही को चेक कर लेंगे, देख सकते हैं हमारा दही एकदम परफेक्ट हो गया है। बाउल में निकालेंगे, देख सकते हैं एकदम मस्त बना है। गर्म करने के बावजूद इसके टेक्सचर में कुछ भी फर्क नहीं आया है। बाउल में निकाल लेंगे, रेडी है हमारा गरम किया हुआ दही। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि दही कैसे गरम करना है और द्विदड़ का दोष क्या है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं आशा करती हूँ कि द्विदड़ का दोष न लगे उसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। अंत में जिन अग्न विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मैं आप सबको मिच्छामिदुक्कड़म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।